ईमान के आने के बाद ही से सालार बिल्ली से शेर बना है। सक्सेस के शेर को कभी धाड़ते हुए देखा है? नहीं। मोहब्बत छोटी नहीं है ईमान जी। ये सब क्या? आप नहीं बड़ा है, अपने बच्चों को खा जाती है। ऐसा हो जायदाद के खेल में नाम जीतता हुई है जो पहले बिल्ली मारते। ड्रामा सीरियल रथ की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे सालार ईमान के आते ही बन गया है बिल्ली से शेर और उसे मोर तक तोड़ दिया कामरान का भी। इतनी जुर्रत और हिम्मत सिर्फ ईमान ही की वजह से है, लेकिन ईमान जिसे साफ कह दिया हुआ है सालार से कि मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रही हूँ हमदर्दी के तहत कर रही हूँ, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसका इसी तरह साथ देती, क्योंकि मैं किसी के साथ ज्यादती होता नहीं देख सकती। ये सच है कि तुमने मेरा हाथ उस टाइम थामा, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपने दिल में जगह ना दे सकूं। दूसरी तरफ सालार के घर वाले भी जो कि हो गए हैं ईमान के आने से परेशान, इस लड़की के आते ही सालार तो हो गया है बिल्कुल चेंज। उन लोगों की भी यही कोशिश है कि ईमान को किसी ना किसी तरह से सालार की जिंदगी से निकाल दिया जाए। तो एक तरफ तो हम देखेंगे कि सालार ईमान की वजह से हो रहा है मजबूर, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आ जाएगा जैन वापस, तो यकीनन ईमान जो कि मोहब्बत करती है जैन ही से, और फिर जब उसे ये भी पता चलेगा कि जैन का इस सारे मसले में कोई कसूर नहीं और जैन को भी पता चल जाएगा कि मेरी माँ ही का कसूर है, तो इन दोनों के रिश्ते बढ़ने लगेंगे और इन दोनों की मुलाकातों से टूट जाएगा सालार और ईमान जो कि ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देगी सालार को, जिसका फायदा उठाएंगे सालार के घर वाले। लेकिन नाज़रीन आपको क्या लगता है कि क्या ईमान इस हद तक खुदगर्ज हो जाएगी कि वो जैन के आते ही बिल्कुल ही छोड़ देगी सालार और सालार को छोड़कर फैसला करेगी जैन से शादी करने का, या फिर ईमान के दिल में भी पैदा हो जाएगी सालार के लिए मोहब्बत और ईमान बनी रहेगी सालार की हिम्मत और मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी सालार के घर वालों को? तो ऐसे में क्या होगा जैन का? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए देखते रहे रिपोर्टर पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक अपनी रिपोर्टर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।